सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज के वीडियो में हम इफ एंड एस का यूज सीखेंगे कि इसको कैसे यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स सीखे थे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका रिजल्ट कैसे आता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एंड एस, अगर मान लीजिए हमें कोई कंडीशन लगानी है कि हमें कोई कंडीशन चेक करानी है तो कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हम इफ़ एंड एस का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले जैसे हम सिंपली हेडर फाइल लगाते हैं, वो हेडर फाइल हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल अपनी इंक्लूड कर ली है। अब हम इसके बाद मेन फंक्शन लगाते हैं। मेन फंक्शन लगाएंगे वर्ड मेन, ब्रैकेट ओपन करके क्लोज किया और एंटर किया। अब देखिए कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ से ओपन किया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जितने भी वेरिएबल की हमें ज़रूरत होगी। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर में ग्रेटर पता कर रहे हैं, तो हमने इंट लगाया, इंटीजर टाइप हमें चाहिए। हमने ए और बी दो वैल्यू ले ली। हम वैल्यू यूज़र से लेंगे। अब हम सिंपली मैसेज दे रहे हैं यूज़र को कि उसे दो नंबर इंसर्ट करने। हमने प्रिंट एफ लगाया। अब हम वैल्यू लेने के लिए स्कैनर फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हम दूसरी वैल्यू लेने के लिए मैसेज देंगे। अब हम स्कैन एफ करके बी में वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए यूज़र से हमने ए में वैल्यू ले ली और बी में वैल्यू ले ली। अब हमें पता करना है दोनों में यूज़र ने किस वाले कौन सी वैल्यू बड़ी एंटर की है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। कोई भी चेकिंग होगी तो हम इफ़ से करेंगे। हमने इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम कंडीशन लगाएंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए इफ़ स्कोप हमारे इस कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे स्टार्ट होगा कि जो हमारी इफ़ की लाइन है इसके बाद हमारा ब्रेस ओपन है। अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो प्रिंट एफ क्या मैसेज दे दे। जो भी मैसेज हमें देना है हम यहाँ दे सकते हैं प्रिंट एफ में। सिंपली हम मैसेज देते हैं ए इज़ ग्रेटर। और देखिए जो हमने कर्ली ब्रेसेस इफ़ वाला ओपन किया था, हमने इफ़ का यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इफ़ का स्कोप यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है। हम एंटर करते हैं। अच्छा, जहाँ भी हम इफ़ लगाएंगे वहाँ पे एस हमारा ज़रूर आएगा। इफ़ और एस एक साथ यूज़ होते हैं कि अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो ये मैसेज दे दे, अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा जो चेक हो रहा है ये एल्स वाले पार्ट में चला जाए। अब हम एल्स लिखेंगे, ई एल एस ई, एंटर किया और ब्रैकेट हमने यहाँ पे ओपन किया। अब देखिए एल्स का स्कोप यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंटर किया। अब जो भी हमें करना है, अगर मैसेज देना है तो हम सिंपली मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ करा के, और यहाँ हमने मैसेज दे दिया बी इज़ ग्रेटर। अब देखिए मैसेज हमने दिया बी इज़ ग्रेटर। अब हमने यहाँ पे एस वाला जो कर्ली ब्रेसेस है वो क्लोज कर दिया। ऊपर हमने इफ़ का ब्रैकेट क्लोज कर दिया और नीचे हमने एस का। अब देखिए इफ़ एस का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब जैसे हम प्रोग्रामिंग करते थे वैसे हम कर देंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हम गेट सी एच लगा देंगे और हमने लास्ट में ये जो मेन फंक्शन का ब्रेसेस है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिया। ये देखिए हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट। हमने यूज़र से दो वैल्यू ले ली है और उसमें चेक कराया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए इज़ ग्रेटर, अगर ऐसा नहीं, अगर ए बड़ा नहीं है तो फिर बी बड़ा है। हमने सिंपली एस में बी को बड़ा कर दिया और हमने मैसेज दे दिया बी इज़ ग्रेटर। अब देखिए प्रोग्रामिंग हमारी प्रोग्राम यहाँ से कम्प्लीट है। हम फाइल पर जाएंगे, सेव पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए अभी सी पी पी है, हम डॉट सी रखेंगे और जो भी नाम हमें यहाँ पे, जो भी नाम हमें यहाँ देना है हम दे देंगे।
जैसे हमने ग्रेटर दे दिया, ग्रेटर डॉट सी से हमने इसको सेव किया, हमने ओके किया। ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर डॉट सी आ रहा है। अभी हम इसको रन कराते हैं, हम रन पे जाएंगे। अभी देखिए हमारे प्रोग्राम में एक एरर शो कर रहा है, चलिए देखते हैं वो एरर क्या है। हमने एंटर किया, हमने यहाँ पे एफ लगा दिया। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। हम फिर से रन पे जाते हैं, हमने इसको रन कराया। अब देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब हम ए की वैल्यू देते हैं, जैसे हमने ए की वैल्यू दे दी 10 और एंटर किया, बी की वैल्यू हमने दे दी 40। देखिए सिंपली हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब देखिए बी इज ग्रेटर हमारा आ रहा है, मीन सही बात है, हमने ए में 10 डाला है, बी में हमने 40 डाला है, तो बी हमारा बड़ा है, ए छोटा है। एंटर करते हैं, वापस आते हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने दो नंबर यूज़र से लिए थे, हमने दो का रिज़ल्ट देखा है। अब मान लीजिए हमने तीन नंबर एंटर कर दिए, हमें तीन में पता करना है कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है, तो सिंपली उसको हम चलिए देखते हैं। हम एक वेरिएबल सबसे पहले इंटीजर में जो हमने दो वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल सी और बढ़ा देते हैं, हमने कॉमा लगाया और सी लिखा। अभी देखिए तीन वैल्यू हम यूज़र से ले सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे कि एंटर थ्री नंबर। अब हम इस बार डायरेक्टली एक में ही तीनों वैल्यू ले लेंगे, बार बार इंसर्ट कराने के लिए प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ नहीं लिखेंगे। हमने मैसेज दे दिया एंटर थ्री वैल्यू। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्कैन एफ पे तीन बार परसेंट डी लगा देंगे। स्लैश एन हम इसलिए करेंगे परसेंट डी डिजिट लेने के लिए। और इसके बाद देखिए हम स्लैश एन लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट लाइन में हमारा दूसरा नंबर ले। फिर हमने परसेंट डी लगाया, दूसरी लाइन में हमारी डिजिट आ जाएगी। हमने फिर स्लैश एन किया और इसके बाद हम फिर से परसेंट डी कर देंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इजीली एक बार फिर से हम बता रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी तरीके का कुछ भी डाउट ना हो, परसेंट डी हमने लगाया कि ए में कोई वैल्यू आएगी, उसके बाद स्लैश एन है कि हमारा जो कर्सर है नई लाइन पे आ जाए और नई लाइन पे हमारा दूसरा नंबर ले, फिर स्लैश एन है फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए और फिर परसेंट डी, फिर से कोई डिजिट वो ले ले जो भी यूज़र दे, बस इसके बाद हमने कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। एम परसेंट ए में हमने वैल्यू ली, हमने कॉमा लगाया, एम परसेंट हमने बी में वैल्यू ली और फिर कॉमा लगा के हमने यहाँ पे एम परसेंट सी कर दिया। अब देखिए ए बी और सी तीनों में वैल्यू हमारी आ गई। अब जो ये नीचे की लाइन है हमारी, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं। हमने डायरेक्टली ए बी सी तीनों वैल्यू एक ही बार में ले ली है, बार बार हमने प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ का यूज़ नहीं किया है। अब देखिए इसकी चेकिंग कैसे होगी। अब चेक होगा सिंपली इफ एंड एल्स का यूज़ करेंगे। अब उसके लिए अभी देखिए हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पे देखिए अब हम एंड ऑपरेटर जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक ब्रैकेट में इसको और कर देते हैं। अब देखिए इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी और हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ए इज ग्रेटर देन सी, अगर हमारा ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, मीन्स इसमें दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी इसके अंदर ये जाएगा। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू है, ए हमारा बी से भी बड़ा है और सी से बड़ा है, तो सिंपली हमारा मैसेज दे दे ए इज ग्रेटर। इसके बाद देखिए हम एक बार इफ और यूज करते हैं। अब जितनी बार चाहें उतनी बार इफ
यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में एल्स की कंडीशन आप दे सकते हैं। अब फिर से हमने इफ़ लगाया, हम एक से ज़्यादा बार इफ़ यूज़ कर सकते हैं, उसको सी में इफ़ लैडर बोलते हैं कि इफ़ एक से ज़्यादा बार यूज़ हो रहा, लास्ट में हमने एल्स लगा के प्रोग्राम अपना फिनिश कर दिया। हमने फिर से इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, दूसरा ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर हमारा बी, अगर पहली वाली कंडीशन हमारी सही नहीं है तो दूसरे वाले इफ़ में आएगा, अगर हमारा बी ए से बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंड पर एंड हमने लगाया, ब्रैकेट ओपन किया और बी हमारा सी से भी बड़ा है, अगर हमारा बी ए से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा है। देखिए एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स दोनों कंडीशन सही मिलनी चाहिए, जब दोनों कंडीशन सही होगी तो हमारे इसके अंदर ये आएगा और ये मैसेज हमारा प्रिंट करेगा बी इज़ ग्रेटर। अगर ये कंडीशन भी हमारी सही नहीं है, इसके बाद हम एल्स दे देंगे, एल्स का हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, अब प्रिंट एफ मैसेज दे देंगे। अच्छा अब इसमें अगर हमारा ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो लास्ट में हमारा सी बड़ा है, हमने मैसेज दे दिया सी इज ग्रेटर। अगर हमारा ए भी बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो लास्ट में हमने सी को बड़ा करके मैसेज दे दिया कि हमारा सी बड़ा है। सिंपली जब दो वैल्यू बड़ी नहीं है तो लास्ट वैल्यू ही बड़ी होगी, और यहाँ हमने ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। अब देखिए तीन वैल्यू के बीच में हमने बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाया है। अब चलिए हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। चलिए अब हम नंबर एंटर करके देखते हैं। फर्स्ट में हमने एंटर किया 34, दूसरा नंबर हमने दिया 90 और तीसरा नंबर हमने दिया 200। देखिए सी इज़ ग्रेटर कि हमारा जो सी है वो बड़ा है। अच्छा आप चाहते हैं कि हमारा नंबर ही प्रिंट करे, तो हम वापस आते हैं, तो जहाँ पे हम सी ग्रेटर कर रहे हैं यहाँ पे हम परसेंट डी का साइन लगा देंगे। देखिए परसेंट डी की हमारी डिजिट प्रिंट करे, कौन सी डिजिट प्रिंट करे, आप यहाँ पे कॉमा लगाइए और सी कर दीजिए कि सी को प्रिंट करे। ऐसे ही आप सब पे कर सकते हैं, इसमें भी हम डिजिट प्रिंट कराते हैं और इसमें भी डिजिट करा देते हैं प्रिंट, कॉमा लगा के हम ए को प्रिंट करा देते हैं कि डिजिट प्रिंट करे उसके बाद दे। अब ये देखिए हम ए भी हटा देते हैं यहाँ से कि परसेंट डी हमारी डिजिट हो, उसके आगे लिखा है इज ग्रेटर और जो नंबर हो वो नंबर प्रिंट करा दे। हम रन कराते हैं, फिर से हम वैल्यू देते हैं, हमने फर्स्ट वैल्यू दी 67, सेकंड वैल्यू हमने दी 200 और थर्ड हमने दी 100। देखिए 200 इज ग्रेटर। और अब देखिए सिंपली आपका लॉजिक है कि अगर आपको तीन नंबर में पता करना है, इसके पहले दो नंबर में ग्रेटर हमें पता करना था, तो जो ऑपरेटर्स हैं ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप कैसा भी कोई भी प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। इंटीजर में ग्रेटर फाइंड किया है, आप चाहे तो फ्लोट ले सकते हैं वैल्यू, अब आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसी भी ज़रूरत है सिंपली कोई भी प्रोग्राम रेडी कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग होगी, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। हम इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यूज़ करने का मेथड बता रहे हैं, बाकी आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। होपफुली कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे, आपको पसंद आए और आपको समझ में आए।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।